हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ईडीडी फर्स्ट की क्लास है। ईडीडी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टीमेशन फर्स्ट, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, करोगे उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। जेई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस सब्जेक्ट से। तो इस सब्जेक्ट में हम कुछ चैप्टर नंबर टू चल रहा था, लाइट फैन सर्किट पढ़ रहे थे। लाइट फैन सर्किट जिसमें हमने कल पढ़ा था, एक रूम की वायरिंग पढ़ी थी। रूम की वायरिंग किस तरह से करते हैं, कैसे हम सॉकेट यूज करते हैं, कैसे फ़ैन लगाते हैं, रेगुलेटर कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे बल्ब को कनेक्ट करते हैं, कहाँ स्विच लगाते हैं, उनके अलग अलग स्विच कैसे कनेक्ट करते हैं, स्विच बोर्ड में कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये सब हमने पढ़ा था। और हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि एक बल्ब को दो जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं, या इसे जैसे हम स्टेयरकेस वायरिंग भी कहते हैं, दो जगह से कंट्रोल करने को एक बल्ब को, एक बल्ब को एक जगह से कंट्रोल और एक बल्ब को तीन जगह से कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अलार्म सर्किट क्या होता है, पता होगा आपको अलार्म सर्किट क्या होता है। अलार्म सर्किट वह सर्किट है, अलार्म सर्किट वह सर्किट है जिसका उपयोग कब करते हैं हम, जिसका उपयोग हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। अलार्म सर्किट मतलब वह सर्किट है जिसका उपयोग हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। अलार्म सर्किट में डिफरेंट कलर्स की लाइट और डिफरेंट साउंड्स का यूज किया जाता है। अलार्म सर्किट वह सर्किट है जिसका उपयोग हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अलार्म सर्किट में डिफरेंट कलर्स की लाइट और डिफरेंट साउंड्स का उपयोग किया जाता है, ठीक। डिफरेंट साउंड और डिफरेंट कलर की लाइट्स का उपयोग करते हैं अलार्म। थर्ड पॉइंट ये है, अलार्म किसी होने वाली सिचुएशन को इंडिकेट करता है, अलार्म किसी होने वाली सिचुएशन को इंडिकेट करता है।
अलार्म सर्किट में केवल लाइट या साउंड या लाइट एंड साउंड दोनों का यूज किया जाता है क्या करते हैं, या तो अलार्म सर्किट में लाइट का यूज करेंगे या साउंड्स का, या दोनों का यूज करते हैं। ठीक, क्या हुआ, अलार्म सर्किट का उपयोग कब करते हैं हम, किसी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। अलार्म सर्किट में डिफरेंट कलर की लाइट्स होती है, डिफरेंट कलर के साउंड्स होते हैं, या तो आपके अलार्म सर्किट में केवल लाइट हो सकती है, केवल साउंड्स हो सकते हैं, या लाइट एंड साउंड दोनों हो सकते हैं। ठीक, अलार्म सर्किट्स को निम्नलिखित ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है, इसके नोट्स बनाते रहना बच्चों। ईडीडी फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके नोट्स बनाते रहना, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं इसके। ठीक है, और आपको न्यूमेरिक जो सिंबल थे, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, मैं एक दो दिन में सिंबल्स के नाम दूंगा आपके लिए, उनके आपको सिंबल्स ड्राइंग शीट पे बना के मुझे मेल करने हैं। मैं मेल आईडी आपको दे दूंगा, मुझे मेल आईडी पे सेंड करने हैं, कोई 20 या 30 सिंबल्स दूंगा, इनके नाम मैं लिख के दे दूंगा आपको, उनके आपको सिंबल्स सेंड करने हैं मेरी मेल आईडी पर। ठीक है, इसी तरह से हम इसका करेंगे, लाइट फैन सर्किट्स के असाइनमेंट देंगे और बीच बीच में टेस्ट आपके होते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे अलार्म सर्किट को निम्नलिखित ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है। पहला पॉइंट है कि इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। दूसरा पॉइंट कंटिन्यूअस ऑपरेशन। और थर्ड पॉइंट है आपका टाइम डिले ऑपरेशन। तीन ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है अलार्म सर्किट, इंस्टेंटेनियस, टाइम डिले, कंटिन्यूअस और टाइम डिले। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो पहला हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन क्या होता है। बच्चों पढ़ते रहो, पढ़ना बहुत जरूरी है। ये ना सोचें कि प्रमोट हो जाएंगे, प्रमोट होने के चक्कर में ना पढ़ें, पढ़ाई करते रहें। अगर पहली बात तो आप प्रमोट होगे नहीं, और प्रमोट अगर हो भी गए तो यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिक्स सेमेस्टर में इसका पार्ट सेकंड पढ़ना है, और जब तक आप पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ोगे, पार्ट सेकंड आपकी समझ में नहीं आएगा, पार्ट सेकंड समझ में बिल्कुल नहीं आने का। तो आप उससे अच्छा है थर्ड ईयर में जाकर पढ़ो, थर्ड ईयर में जाकर पढ़ने से अच्छा है कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो। एक एक चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक करा रहा हूँ, उसको पढ़ते रहो, हैंड टू हैंड नोट्स बना प्रिपेयर करते रहो। ठीक, नोट्स आप प्रिपेयर करते रहो और पढ़ाई जारी रखो, इस चक्कर में ना रहो कि प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोट होने का मैंने रीजन बता दिया, अगर प्रमोट हो भी गए तो आपको सिक्स सेमेस्टर में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। उस समय आप एक तो कन्फ्यूजन में होगे कि अब आगे करना क्या है,
लास्ट लास्ट ईयर होगा और लास्ट सेम होगा, और आपका प्रोजेक्ट का भी सबसे बड़ा झाड़ रहता है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी टेंशन रहेगी, प्रोजेक्ट भी बनाना है, और ये ईडीडी सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए पढ़ते रहें। ईडीडी फर्स्ट भी पढ़ोगे फिर उस समय, और ईडीडी सेकंड दो दो सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज ईडीडी सेकंड आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे थे इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन, तो इस ऑपरेशन में क्या करते हैं, इस ऑपरेशन में प्रेशर स्विच द्वारा सर्किट को जब एक सप्लाई की दी जाती है, प्रेशर स्विच द्वारा सर्किट को जब सप्लाई दी जाती है तब तक बेल या इंडिकेटर ऑन कंडीशन में रहता है, जब तक प्रेशर स्विच में प्रेशर हटा ना दे, अर्थात जब सर्किट को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, और अलार्म बंद हो जाता है, क्या हुआ, इस ऑपरेशन में प्रेशर स्विच से हम क्या करते हैं, सर्किट को सप्लाई दी जाती है प्रेशर स्विच द्वारा, और बेल या इंडिकेटर आपका तब तक बजता है जब तक कि प्रेशर स्विच से हम प्रेशर ना हटा लें। प्रेशर हटाते ही सप्लाई जानी बंद हो जाएगी, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपकी अलार्म बंद हो जाएगा। तो ये तो था इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक ऑपरेशन, हिंदी में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस को, तात्क्षणिक एक कुछ क्षणों के लिए ऑपरेशन करना क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। इसका देखो सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये आपका फेज है और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हमने एक बेल को कनेक्ट कर दिया, ठीक, एक प्रेशर स्विच लगा दिया हमने यहाँ पे, और प्रेशर स्विच को ये कनेक्ट कर दिया। प्रेशर स्विच कुछ इस तरह का होता है, क्या करेंगे, जब प्रेस करेंगे हम तो सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो जाएगी बेल के लिए, ये बेल है और ये हो गया पुश बटन, ये इसका सर्किट डायग्राम होता है, ठीक, ये इसका, अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर इस तरह से लगा होगा, बेल कनेक्ट कर दी हमने, ठीक, इंडिकेटर
ये कनेक्ट कर दिया, ये फेज है, ये न्यूट्रल है और आपका ये पुश बटन है, ये आपका पुश बटन, पुश बटन ठीक। तो ये तो था इसका ऑपरेशन, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गए। सर्किट डायग्राम ये इसके सर्किट डायग्राम हो गए, समझ में आ गया। अलार्म सर्किट कब यूज करते हैं, अलार्म सर्किट जब यूज करते हैं जब किसी का ध्यान अपनी ओर हमें आकर्षित करना होता है। इसमें क्या होता है मेनली, या तो हम बैल को यूज करते हैं या इंडिकेटर को यूज करते हैं, या और आप बैल या आप इंडिकेटर यूज करोगे। इसमें अलार्म सर्किट में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स की लाइट होती हैं, या डिफरेंट कलर के साउंड्स हो सकते हैं, या डिफरेंट कलर की लाइट एंड साउंड दोनों हो सकते हैं ठीक। इसकी ये तीन तरह के होते हैं, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन होता है इसमें, और एक आपका कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है, और थर्ड होता है टाइम डिले ऑपरेशन। इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन मैंने बताया क्या होगा, इंस्टेंटेनियस को हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक, तात्क्षणिक और प्रचालन, ऑपरेशन मतलब प्रचालन, तात्क्षणिक प्रचालन कैसे होता है, किसी भी स्विच को, जब हम स्विच को जो क्या करते हैं इस ऑपरेशन में, जब स्विच को प्रेस बटन को आप प्रेस करोगे तो जब बैल जब तक बजती रहेगी जब तक आप प्रेशर वहां से हटा ना लो। प्रेशर हटाते ही क्या हो जाएगा, आपको सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है और अलार्म बंद हो जाता है, अलार्म बंद हो जाता है। ये था इसका इंस्टेंटेनियस का, ये इसके सर्किट डायग्राम हो गए। सर्किट डायग्राम में क्या करा हमने, एक न्यूट्रल, एक फेज, बैल लगा दी बीच में, और यहाँ पुश बटन लगा दिया। जैसे ही आपने बटन को पुश किया सब यहाँ से फेज मिलना स्टार्ट हो गया, यहाँ से न्यूट्रल मिलना स्टार्ट हो गया, आपकी बैल बजनी शुरू हो गई। इसी तरह हमें इंडिकेटर के साथ कराया, ये इंडिकेटर लगा दिया, बैल ये पुश बटन लगा दिया, फेज ये, न्यूट्रल ये, न्यूट्रल से इसको सीधा कनेक्ट किया, इसको हमने क्या करा पुश बटन के थ्रू कनेक्ट किया, फेज को, फेज को पुश बटन के थ्रू कनेक्ट किया। यहाँ से पुश बटन दबाया आपने जब तक बजता रहेगा, जब तक कि आपके क्या है प्रेशर हटाना, जब तक बजता रहेगा तब तक कि प्रेशर ना हटाओ, प्रेशर हटाते ही सप्लाई ऑफ हो जाएगी और आप बजना बंद हो जाए। ये था इसका सर्किट डायग्राम। कल हम इसका पढ़ेंगे कंटिन्यूस ऑपरेशन और टाइम डिले ऑपरेशन। आज की क्लास में इतना ही था, मैं अगेन और अगेन कह रहा हूँ ये बात कि पढ़ते रहो, अभी से मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत किसी ना किसी दिन रंग लाती ज़रूर है। पढ़ाई जारी रखें, इस चक्कर में ना रहें कि बस आए, बस डिप्लोमा चल रहा है, आपको सिक्स सेमेस्टर में इसका पढ़ना ही है, पार्ट सेकंड, और जब तक पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ोगे सेकंड पार्ट नहीं पढ़ सकते। इसलिए अभी से पढ़ाई करें, अभी से पढ़ाई करते रहें, नोट्स आप हैंड टू हैंड बनाते रहें ठीक है बच्चों। थैंक यू क्लास।